दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है ये वैकेंसी आ रही है सीमेंस कंपनी की तरफ से। सीमेंस एक ऑटोमेशन कंपनी है जो आप सभी जानते ही होंगे। तो गाइस, सीमेंस के बारे में ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट जानते होंगे, क्योंकि इस वैकेंसी की मैं काफ़ी ज़्यादा अपडेट लेकर आती रहती हूँ और यहाँ से बहुत ही अच्छी लेटेस्ट अपडेट निकलती रहती है। ये एक जर्मन की मल्टीनेशनल कंपनी है। इसके अंदर PLC, स्काडा से रिलेवेंट बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैन्युफैक्चरिंग की जाती हैं। साथ ही गाइस, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, लार्जेस्ट इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। यहाँ पर इस वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। और इससे पहले हम लोग क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन एलिजिबल है। तो गाइस, यहाँ अगर आप लोग फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही अगर एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों की गाइस जो वैकेंसी निकाली गई है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्लोमा वालों के लिए निकाली गई है, ITI कैंडिडेट के लिए, साथ ही गाइस ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए। ग्रेजुएट अगर आप टेक्निकल हैं या फिर नॉन टेक्निकल हैं, दोनों एलिजिबल हैं। दोनों के लिए बहुत ही अच्छी लेटेस्ट अपडेट निकाली गई है। और सबसे पहले बात करें गाइस इस वैकेंसी की, तो यहाँ आप लोग 2022 वाले कैंडिडेट हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, 2020 वाले कर सकते हैं, 2021 वाले भी कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर 19, 18, 17 और यहाँ 16 बैच तक के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। गाइज, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की वैकेंसी निकाली गई है, जैसे DET मतलब डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी की, GET मतलब ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की, साथ ही जूनियर इंजीनियर की पोस्ट निकाली गई है। जो हमारे स्टूडेंट जूनियर इंजीनियर के लिए एलिजिबल रहेंगे वो जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई करेंगे। और यहाँ सबसे अच्छी बात ये है कि जो स्टूडेंट हमारे वॉक इन इंटरव्यू मतलब जो हमारा ऑफ कैंपस इंटरव्यू होता है वो अटेंड कर सकते हैं, तो वो वॉक इन इंटरव्यू भी अटेंड कर पाएंगे। और जो नहीं कर पाएंगे वॉक इन इंटरव्यू, उनके लिए ऑनलाइन इंटरव्यू भी कराया जाएगा। और गाइस, मैं आप लोगों को यहाँ ये भी बताने वाली हूँ कि आप लोगों को क्या क्या स्किल मेंशन करनी है जो आप लोग अपने रिज्यूम में अटैच कर सकते हैं। और हाँ, ये बात याद रहे कि एक ही कंपनी का हर किसी कंपनी में रिज्यूम ना लगाए। आप लोग उसके जो की स्किल्स होते हैं, कुछ ऐसे मेन पॉइंट्स होते हैं जो हर कंपनी के लिए चेंज करने पड़ते हैं, तो ये चीज़ प्लीज़ आप लोग सीखिए। और दूसरा चीज़ आता है कि आप लोग अपना जो यहाँ पर की स्किल के साथ साथ जो चीज़ें हैं, जैसे आप लोगों की मेन चीज़ है स्किल्स, तो मैं आपको बताऊंगी इस कंपनी के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या क्या लिखनी चाहिए। अदर कंपनी के अकॉर्डिंग आप लोगों को अगर इस तरीके से जानना है कि आपके अंदर क्या क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, क्या परफॉर्मेंस है, तो वो आप लोग खुद चेक कर सकते हैं। इस कंपनी के अकॉर्डिंग हम लोग इसके बारे में जानने वाले हैं, तो इसके अपना लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ ही आप लोग को टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, वहां से जाकर आप लोग चेकआउट करेंगे। इस तरीके का टैब ओपन हो जाएगा, अप्लाई नाउ पे जाके क्लिक करना है और यहाँ पर बहुत सारी अपडेट आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो गाइस, जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो आप लोग की ये वैकेंसी निकाली गई बहुत ही ज़्यादा अलग अलग स्टेट या फिर अलग अलग कंट्री की देखने के लिए मिलेंगी। बट आप सभी को क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले लोकेशन सर्च करना है, क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले से डाल रखा है, मैं यहाँ पर सर्च करूँगी इंडिया, तो आप लोगों की यहाँ पर जो जॉब्स हैं इंडिया की ही निकल कर आ जाएंगी। उसके बाद आप लोगों को अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सर्च करनी है। तो ऑलमोस्ट हम लोग ज़्यादातर टेक्निकल वालों की बात करते हैं, तो टेक्निकल वालों की ही बात करेंगे। बाकी नॉन टेक्निकल वालों के लिए एक बार मैं बता देती हूँ, देखिए डाटा एनालिसिस की निकाली गई है, ये नॉन टेक्निकल की ही जॉब होती है। साथ ही गाइस, ये जो है आप लोगों की IT इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर भी नॉन टेक्निकल स्टूडेंट एलिजिबल रहते हैं, या स्पेशलिस्ट वगैरह की, ये सभी आप लोगों की टेक्निकल नॉन टेक्निकल स्टूडेंट के लिए आती है। देन आप लोग, हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेशर स्टूडेंट की। तो फ्रेशर के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है वो कैसे चेकआउट करेंगे, यहाँ देखिए, हमने यहाँ पर पहले ही सर्च किया था डिप्लोमा ट्रेनी इंजीनियर DET, तो आप लोग यहाँ डालेंगे तो मतलब ट्रेनी और या फिर GET डाल दीजिए, कुछ भी डाल सकते हैं, ग्रेजुएट डाल सकते हैं, ट्रेनी डाल सकते हैं, तो जो भी हमारी ट्रेनी स्टूडेंट की होगी वो निकल कर यहाँ पर आ जाएगी। तो जैसे ही हमने यहाँ पर सर्च किया तो काफ़ी सारी जॉब अपडेट निकल कर आ चुकी है। तो चलिए हम लोग वन बाय वन देखेंगे सारी वैकेंसीज को। सबसे पहले देखने के लिए मिलेगी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की, ये एकदम लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए मिलेगी। 17/10/2022 को ही पोस्ट आउट की गई है, 17 डेट है आप लोग की, और यहाँ पर 17/10/2022 को पोस्ट आउट की गई है। बहुत ही अच्छी लेटेस्ट अपडेट है, अभी तक किसी भी स्टूडेंट ने अप्लाई नहीं किया है। गुड़गांव हरियाणा इसकी लोकेशन है। और ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के मतलब यहाँ पर BTEC वाले ही स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, साथ ही ग्रेजुएशन वाले अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, फ्रेशर्स के लिए निकाली गई है ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियर, बैंगलुरु कर्नाटका इसकी लोकेशन है, और ये 14/10/2022 को निकाली गई है। लगभग एक दो दिन ही हुआ है, तो आप लोग इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ है इंजीनियर एस्टिमेशन इंजीनियर की, तो इसमें गाइस आप लोग के अगर एक साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं। चेन्नई तमिलनाडु लोकेशन है, और यहाँ आप लोगों की
11/10/2022 को ये पोस्ट आउट की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे सीनियर सर्विस इंजीनियर की। सीनियर सर्विस इंजीनियर के लिए गाइस यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस मतलब 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, 2 ईयर का है, अप्लाई कर सकते हैं। गुड़गांव हरियाणा आप लोग को देखने के लिए मिलेगी। कस्टमर सर्विस आप लोग का डिपार्टमेंट रहने वाला है। 3/10/2022 को ये पोस्ट आउट की गई है। नेक्स्ट है सर्विस इंजीनियर की, ये आप लोगों को कोलकाता और वेस्ट बंगाल की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। यहाँ भी आप लोगों को सेम पोजीशन देखने के लिए मिलेगी, सिर्फ लोकेशन चेंज है आप लोग की अहमदाबाद, यहाँ पर जो है महाराष्ट्र आप लोग की लोकेशन है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे इंजीनियर की है, टेक्निकल सपोर्ट की यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर एग्जीक्यूटिव की है, ये इंजीनियर की है, तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एक यहाँ पर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की, ओपन कर लेंगे आप अप्लाई करके भी देखेंगे। तो गाइस ये जो इंजीनियर की जॉब्स है इसमें डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल रहेंगे। उसके बाद अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जैसे इसे ओपन करेंगे अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा, अप्लाई में क्लिक कीजिए। और गाइस अगर आप लोगों को यहाँ पर पहले रजिस्ट्रेशन वगैरह कर रखा है तो आप सभी को कुछ नहीं करना है, अपना ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है। लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर रजिस्ट्रेशन कीजिए। उसके बाद आप लोग यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। जैसे आप लोग सबमिट करेंगे तो एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। और गाइस उसमें आप लोगों की यहाँ पर थोड़ा ये जो है नेट प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा वेट कीजिए। इस तरीके का ऑप्शन ओपन हो चुका है, देखिए ठीक है। और ये ब्लू लाइन देख पा रहे हैं आप लोग, ये ब्लू लाइन जैसे ही आप लोग का फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और ये ब्लू लाइन भी कंप्लीट हो जाएगी। गाइस आप लोगों को यहाँ पर अपना जो है रिज्यूम अपलोड करना है, जिस भी फॉर्म में करना चाहते हैं नेक्स्ट करेंगे, इसी तरीके से नेक्स्ट करते जाएंगे। मुझे और भी अपडेट देनी है इसलिए मैं आप लोगों को आगे नहीं बताऊंगी। अगर आपको ये पूरा फॉर्म देखना है कि किस तरीके से भरा जाएगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इस फॉर्म का, तो आप वहां से जाकर चेकआउट कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं गाइस नेक्स्ट वैकेंसी की। तो गाइस ये भी सीमेंस की तरफ से निकाली गई है। यहाँ पर 0-4 ईयर एक्सपीरियंस वाले अप्लाई करेंगे। क्वालिफिकेशन यहाँ पर एनी बैचलर डिग्री मतलब बीई बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए, ऐसी ही और भी आप लोग को वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। बीई बीटेक एनी स्पेशलाइजेशन आप लोग अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जो आप लोग की स्किल है, देखिए जितनी भी की स्किल आप लोगों के अंदर है आप लोग यहाँ से जाकर चेकआउट कीजिए। देखिए अगर आप लोगों के पास यहाँ पर जैसे कोई भी आप लोग को लिखना वगैरह आता है, कंटेंट राइटिंग वगैरह आती है बहुत अच्छी, और या फिर आप लोगों को इंग्लिश वगैरह आती है, थिंकिंग आप लोगों की बहुत अच्छी है, ट्रेवल करना मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है आप लोगों को, ये सभी चीज़ें आप लोग मेंशन करेंगे। साथ ही आप लोग या फिर किसी भी मतलब वायरिंग वगैरह करनी आती है, ऑटो कैड आती है, पीएलसी सॉफ्टवेयर आता है, या फिर आप लोगों ने जो भी यहाँ पर किया है तो सारी स्किल्स आप लोगों को दी गई हैं। ये स्किल्स आप लोग अपने अंदर चेक कीजिए कि क्या आपके अंदर इसमें से कोई भी स्किल मैच करती है, वो अपने रिज्यूमे में मेंशन ज़रूर कीजिए। इस तरीके से मैं आप लोगों को और भी यहाँ पर अपडेट दिखा देती हूँ। तो गाइस ये वैकेंसी देखेंगे, यहाँ पर ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की है, यहाँ पर भी आप लोग को बहुत सारी वैकेंसी देखने के लिए मिल जाएंगी। और गाइस सारी वैकेंसीज का लिंक मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगी, और यहाँ से आप लोग अप्लाई ऑन कंपनी साइड इस पर क्लिक करेंगे तो ये कंपनी की वेबसाइट पर ओपन हो जाएगा, इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ से जाकर अप्लाई करना है। सिंपली अप्लाई करने का तरीका मैं फर्स्ट टाइम में ही बता चुकी हूँ तो इसे मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं आप लोगों को दोनों जगह से अपडेट इसलिए दिखा रही थी ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हाँ ये जो वैकेंसी है ये आप लोगों की लिंक्डइन मतलब जो naukri.com है उस ऐप से भी आ रखी है, मेन वेबसाइट से भी आ रखी है, तो मतलब ये एकदम ऑरिजिनल वैकेंसी है। तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिए, इसे मिस ना करें। और बाकी आप लोग को लिंक ऐसी ही लिंक देखिए, मैंने आप लोग को फिर भी यहाँ पर कम से कम 2-3 जॉब ही दिखाया है जो आप लोग का लिंक्डइन मतलब जो naukri.com से आया है, बट मैं आप लोगों को लिंक यहाँ पर काफ़ी सारी जॉब अपडेट का देने वाली हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर एक बार चेक ज़रूर कर लेना। जो भी स्टूडेंट हमारे एलिजिबल हैं, डिप्लोमा है, ग्रेजुएट हैं, ITI है, सभी स्टूडेंट फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस सभी चेक कर लेना, वहाँ से जाकर अप्लाई कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।